सुप्रभात बच्चों, कक्षा 11 हिंदी इलेक्टिव प्रथम अध्याय प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी ईदगाह है। तो इससे पहले कि हम कहानी पर जाएं, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में 5 अंक का लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, इसलिए आपको पहले जीवन परिचय की ओर ले जाया जाता है। तो प्रेमचंद जी के बारे में आप काफी कुछ सुनते हैं, पढ़ा भी है आपने। अब उसी प्रेमचंद जी को आप थोड़ा नजदीकी से जानने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। मैट्रिक उस समय कक्षा 10वीं होती थी। स्वाध्याय यानी अपने आप ही अध्ययन करके स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की, यानी ग्रेजुएशन उनका बैचलर ऑफ आर्ट्स कला स्नातक वो वाराणसी में ही हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, देश को आजादी दिलाने के लिए यह आंदोलन चला था। तो प्रेमचंद जी उस समय सरकारी नौकरी करते थे, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन देश प्रेम के कारण उन्होंने वो सरकारी नौकरी भी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए, यानी पूरी तरह से वो साहित्य लेखन में जुट गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की। तो प्रेमचंद जी हिंदी में बाद में आए, पहले वो उर्दू में लिखा करते थे और वहां इनका जो लेखन का नाम था वो नवाब राय था। बाद में हिंदी में लिखने लगे, उसके बाद उन्होंने हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है, यानी जो समाज में फैली हुई दूषित विडंबनाएं थी, कुप्रथाएं थी, उनके खिलाफ उन्होंने जमकर अपनी कलम चलाई। वे साहित्य को स्वांत सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। कुछ लोगों का मानना होता था कि साहित्य अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा को खुश रखने के लिए लिखा जाता है, लेकिन इनका मानना क्या था कि इससे समाज में एक अच्छा और सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे, यानी पूरी तरह से वो यथार्थवादी थे। जो उन्होंने अपनी नजरों से देखा उसी चीज को अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, यानी उनकी रचनाओं में पूरी तरह से सत्यता है, पूरी तरह से सच्चाई है। तो यहाँ आप प्रेमचंद जी का फोटो भी देख रहे हैं और उनका जन्म का वर्ष 1880 और मृत्यु का वर्ष 1936 आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसके पश्चात बच्चों, वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे, यानी समाज का वास्तविक रूप देखने की निगाह उनके पास में थी, समझ उनके पास में थी। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना करी। तो उस समय, जिस समय प्रेमचंद जी का काल आता है, उस समय जो देश था वो अंग्रेजों के अधीन था, यानी पूरा इनका जो जीवन गुजरा वो गुलाम भारत में या परतंत्र भारत में ही गुजरता है। तो आजादी के लिए इन्होंने काफी कुछ योगदान दिया, अपनी लेखनी के माध्यम से भी और शारीरिक रूप से भी। तो उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना करी। उन्होंने जो रचनाएं की हैं उनमें राष्ट्र प्रेम झलकता है। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, तो बच्चों ये जो होते हैं कहानी के मुख्य अवयव होते हैं, यानी कहानी के मूल तत्व होते हैं। आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी जो कहानियां हैं, कथा संगठन यानी कथा वस्तु, चरित्र चित्रण पात्रों का चरित्र चित्रण और कथोपकथन और संवाद की दृष्टि से उनकी जो रचनाएं हैं बहुत ज्यादा अपने आप में यूनिक हैं। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है।
उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। बोलचाल के निकट होने का मतलब है कि आम आदमी की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है अपने लेखन में, ताकि वो उनका उद्देश्य क्या था कि ये जो मेरी रचनाएं हैं वो आम आदमी के समझ में भी आनी चाहिए, और अपनी भाषा में उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है। तो जब भाषा शैली आप लिखेंगे जीवन परिचय के अंतर्गत, तब आपको लिखना है कि मुहावरेदार भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। इसके लिए आपको एक रचना फॉर्मेट भी भेजा जाएगा, एक प्रारूप भी समझाया जाएगा। पहले भी हालांकि आपको समझा दिया गया है, लेकिन एक बार फिर आपके पास में जीवन परिचय लिखने का जो फॉर्मेट है वो भेज दिया जाएगा। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है, क्योंकि वो पहले से उर्दू में लिखते थे, उसके बाद हिंदी में आए। साथ ही साथ उन्होंने तत्सम शब्दों का भी जम के प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम, नया स्वरूप दिया। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो मानसरोवर 8 भाग, बुद्धधन 2 भाग, कहानी संग्रह निर्मला, ये क्या हो गए, मानसरोवर 8 भाग कहानी संग्रह हो गया, और बुद्धधन 2 भाग हैं, उसके 2 पार्ट हैं, वो क्या हो गया उनका कहानी संग्रह, क्या हो गया स्टोरी कलेक्शन हो गया। इसके अलावा निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान, ये क्या है उनके उपन्यास हैं। करबला संग्राम, प्रेम की वेदी, ये उनके नाटक हैं। विविध प्रसंग, 3 खंडों में साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह है, यानी ये विविध संग्रह प्रसंग जो है वो उनका निबंधों का संग्रह है। उसके बाद है कुछ विचार, ये उनके लिटरेरी ऐसे हैं, साहित्यिक निबंध हैं। इसके अलावा उन्होंने संपादन भी किया, माधुरी हंस मर्यादा जागरण, ये मैगजीन्स हैं, इनका इन्होंने संपादन किया, एडिटर रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक में आपके सिलेबस में उनकी कहानी ईदगाह दी गई है, तो थोड़ा सा आपको ईदगाह कहानी का परिचय भी दे देते हैं। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित स्टोरीज हैं हिंदी में बहुत कम लिखी गई है। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता और तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानी में जगह दी। तो ये जो कहानियाँ हैं बच्चों के लिए है, बच्चों पर केंद्रित है। उनकी कहानियां भारत की साझी संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध सुरंगों से सराबोर है। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव यानी किसी चीज की कमी उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देती है, यानी जो व्यक्ति, जो बच्चा अभाव में अपना जीवन गुजारता है, अपना बचपन गुजारता है, वो समय से पहले ही मैच्योर हो जाता है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर संयम रखने में विजयी होता है। उसकी उम्र के जो दूसरे बच्चे अपने लिए खिलौने खरीदते हैं, खाना खाते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन हामिद को लगता है कि इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चिमटा है, क्योंकि उसको वो अपने घर के लिए चाहिए था। साथ ही रुस्तम में हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य में महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। इसमें क्या है, पिक्टोरियल आपको तत्व मिलेंगे। तो बच्चों ये जीवन परिचय पूरा हो गया, अब ये कहानी है। अगर आपके पास ये पाठ्य पुस्तक है तो आप एक बार ये कहानी पढ़ लेना, कल आपको इसका अगला अंक भेजा जाएगा। और यदि पाठ्य पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रोजाना यहाँ पढ़ते रहेंगे इस मंच पर। धन्यवाद।